लैपटॉप भर दिया तो उसके लालच में आ गई, लैपटॉप भर दिया। लैपटॉप दे करके पूछो कितना कितना गलत काम किया है अखिलेश यादव ने, खुल्ला खुल्ला बोलती हूँ मैं। अरे वो भैया कैसे बोल रहे हो आप, कैसे बोल रहे हो, महिला बोल रही है। सुनो सुनो सुनो, ये यादव के भक्त है, ये यादव के भक्त है। हाथ मत लगाओ, मुझे नहीं बोलना। अगर सुरक्षित रहना है, जब तक योगी मोदी की सरकार है उनकी नजर तक बहन बेटियां सुरक्षित थी और है और रहेंगी। अरे डराने ही है, चुप है हिंदू, इस भ्रम में मत रहना, योगी मोदी ही आएंगे तुम देखते रहना। आप ये मत पूछना कौन आ रहा है। अब ये भाई साहब अच्छा गा रहे, भैया जोरदार इनकी ताली बजाओ पहले तो। अशोक सिंह कहाँ से रहने वाले, बुलंदशहर यूपी। तेज बोलो, बुलंदशहर यूपी। एक बार और बोलो, बुलंदशहर यूपी। बोलो बुलंदशहर। और दूसरी बात ये है कि हमारे बरसों की तपस्या सफल हुई, जो कोई नहीं कर सका वो श्री राम प्रभु की योग्य में श्री हमारे योगी जी और मोदी जी ने किया है। एक बार उनके लिए जोरदार की ताली बजाओ। और हम हमेशा श्रद्धा ठाकुर, आप कहाँ से, लखनऊ से रहने वाली, श्रद्धा के लिए जोरदार ताली बजाओ। और एक लाइन और गाना चाहूंगी, जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए है। अगर सुरक्षित रहना है, जो राम को लाए है हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। गांधी भी कह रही हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं अच्छा शासन दे सकती हूँ, क्या प्रियंका गांधी जो है प्रधानमंत्री बन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। योगी मोदी आए थे और डंके की चोट पर कह रहे वो हमेशा आएंगे, और जब तक वो है तब तक बहन बेटी भी सुरक्षित है, हमारा भारत देश भी सुरक्षित है। ममता बनर्जी है यहाँ पर, ममता बनर्जी लगातार, उनके आगे कोई आ नहीं सकता, ना कोई टिक सकता, कोई आ ही नहीं सकता, ये मेरा दावा है। कोई हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता, चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले कोई, कोई एड़ी चोटी का भी जोर लगा ले, फिर भी उनके अलावा कोई नहीं आ सकता। क्योंकि राहुल गांधी ने पूरे देश की जो है यात्रा करी है, ना राहुल गांधी आएंगे, ना प्रियंका गांधी आएंगे, कोई नहीं आएगा। मैं डंके की चोट पर बोलती हूँ, कोई नहीं आएंगे। योगी मोदी की सरकार जब से आई है हमारे देश में न जाने कितनी उन्नतियाँ हुई हैं, एक गिनाने की बारी नहीं है, हजारों उन्नति है जिसको हम गिना सकते हैं। कि योगी मोदी जी ने सबसे पहला सबसे बड़ा कार्य राम मंदिर, जो बरसों की तपस्या आज सफल हुई हमारे पूर्वजों की, अगर ये सत्य है तो एक बार योगी मोदी जी के लिए जोरदार की ताली बजा दो हमारे लिए। यूपी में जो है महिलाओं की क्या, यूपी में कैसा है, बहन बेटियों की जो है सुरक्षा कैसी है वहाँ पे? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जो रात में निकल नहीं सकती थी, मैं जागरण करती हूँ, स्वयं देवी भवानी के जागरण करते हैं हम, और सब जगह करते हैं, पूरे यूपी दिल्ली सब जगह। लेकिन जितनी अच्छी सुरक्षा है, 12 बजे निकले 1 बजे निकले, वो पहले नहीं थी जो अब हो चुकी है योगी मोदी की सरकार में। और डंके की चोट पर कहते हैं कि जब तक योगी मोदी की सरकार है उनकी नजर तक बहन बेटियां सुरक्षित थी और है और रहेंगी। अखिलेश, कुछ लोग बोलेंगे कि इतनी लड़कों की भीड़ में तुम अकेले क्यों, मैं बहुत देर से, और हमारी बहन हो। एक बात और बोलेंगे हम, ये जो हमारे भाई खड़े हैं इनकी वीडियो बहुत देर बहुत दिन से देखते आए हैं, इसीलिए इनके लिए खड़े, और इनके लिए मैं खुद ताली बजाऊंगी, जो कि हमारे सनातन धर्म के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी सब लोग करो, जो जो योगी मोदी की तरफ हो वो एक बार हाथ उड़ा के जयकारा लगा दो, कह दो जय श्री राम, जय श्री राम। पूछना चाहूंगा, अभी तेजस्वी यादव मच्छी खा रहे हैं हेलीकॉप्टर में, मछली, और मछली खा के कह रहा है टेस्टी बनी है, नराते चल रहे हैं, आप अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे बताइए? मीट मांस, सबसे पहले कहते हैं मीट मांस खाने वाला, देखो जितने यहाँ पर हैं माफी चाहेंगे, मीट मांस खाने वाले ध्यान रखना, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन ये बात बोलूंगी, एक कुत्ता खुद भगवान के मंदिर में जब घंटे बजते हैं तो शाम को वो चिल्ला चिल्ला करके रोता है, किस लिए, कि हे भगवान ये इंसान मीट मांस खाने वालों को इनका बना दो और हमको इंसान बना दो। क्योंकि यहाँ तक कि सेब संतरे फल फ्रूट खाने लगे और हम इंसान मीट मांस पर भागते हैं। जो मछली खा रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगी, एक जानवर को काट करके तुम अपना पेट भर रहे हो, याद रखना नर्क में भी जगह नहीं है तुम्हारे लिए। बढ़िया, एक बार बहन अपना नाम बता दो कैमरे में दोबारा। श्रद्धा ठाकुर, लखनऊ की। लखनऊ
जी फ्रॉम लखनऊ फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश योगी बाबा के लेख बोलते हैं कि जंगल राज कायम हो गया जब से योगी आए हैं, ये अखिलेश यादव जी कहते हैं जो पहले वहाँ मुख्यमंत्री रहे, यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं जो पुराने पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वे कहते हैं कि योगी के आने से जंगल राज कायम हो गया है ये प्रदेश में। ऐसा कुछ नहीं है, वो सारे के सारे पागल हैं जो ऐसा लांछन लगा रहे हैं, ये अपना नाम ऊंचा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें, योगी मोदी जी ने जितना किया है जनता जानती है, जो दो चार लोग हैं लल्लू पंजू वही उनकी बुराई कर सकते हैं, वरना जहां तक कि जिनको ये समझ में आया है, कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ा दी, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब ये सारा रोजगार बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़नी चाहिए, हमारी कमाई बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़नी चाहिए। अरे हम फ्री का खाने वाले नहीं है, हम मेहनत करके खाने वाले हैं, और यही हमारे माँ बाप ने सिखाया कि मेहनत करो और खाओ। और हमारी कितनी कम उम्र है लेकिन हम डेली 15,000 से 20,000 रुपए कमाते हैं जागरण करके, ठीक है, मेहनत है, मेहनत करो, तुम्हारे हाथ पर भगवान ने दिए हैं, तुम दूसरे पर लांछन क्यों लगाते हो, रोजगार बहुत है दुनिया में, करने के लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए। जय जय श्री राम। लेकिन ये जब सब कुछ ठीक ठाक है तो सारा देश का विपक्ष एकजुट होकर के मोदी को बाहर क्यों करना चाहता है? वो कुछ लल्लू पंजू है, मैं बोल रही हूँ ना, वो कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि सरकार इनकी नहीं चाहिए, लैपटॉप बांट दिया तो उसके लालच में आ गई, लैपटॉप बांट दिया, लैपटॉप दे करके पूछो कितना कितना गलत काम किया है अखिलेश यादव ने, खुला खुला बोलती हूँ मैं, अखिलेश टोपी पहन के नमाज पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ किसी धर्म के लिए मत बोलो, सबके लिए बोलो, टोपी पहन करके नमाज पढ़ते हुए मैंने खुद देखा है, और ऐसा हिंदू किस काम का है ये बता दो। मैं ये कहती हूँ सारा धर्म एक समान है, बिल्कुल गलती कर दी, सुनना, अरे मिक्स मत करो ना, आप महिला की बात कर रहे थे, क्या मत महिला को बोलने दो, अरे वो भैया कैसे बोल रहे हो आप कैसे बोल रहे हो, महिला बोल रही है, महिला बोल रही है, महिला बोल रही है, उनको बोलने दो, ये भाई साहब वो महिला, ये सुनो सुनो सुनो, ये यादव के भक्त है, ये यादव के भक्त है, हाथ मत लगा। अच्छा भाई, इसमें से जितने खड़े हैं ये बताओ मैं गलत क्या बोल रही हूँ, अगर सही बोल रही हूँ तो हाथ उड़ा लो। जय श्री राम, जय श्री राम, ये मुझे नहीं बोलना। लास्ट है, एक बार ये तो पूछ लो भाई साहब कि 2024 में कौन आ रहा है? वो ये तो पूछेंगे आप तो बट तेज पूछो थोड़ा सा। 2024 में क्या, 2024 में देखिए गठबंधन कह रहा है कि 2024 में मोदी जी हर मंच से कर रहे हैं 400 पार, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कोई जो है जो मैच फिक्सिंग हो गया है। मैं बताऊं 2024 में एक बार गा लेना ना, 2024 में एक ही चीज आएंगी, जय श्री राम।